जांच के भी आदेश इस वक्त दे दिए गए हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। और स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही हैं वो सुन लेते हैं। कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, इंजॉय कीजिए, ये है इंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी को जवाबदेही तय करनी ही होगी। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चे ये बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन पहले काउंसिलर को बार बार बोला गया कि ड्रेनेज खराब है और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे डूब के मरे हैं उनकी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बच्चों का आज गुस्सा फूट के आ रहा है, ये सड़कों पे निकल कर आएगा और ये कहीं से भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। मेरे को ये बिल्कुल ही काफी नहीं लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। बेसमेंट में पानी बरसाने की आशंका हमेशा बनी रहेगी, चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर। ये तरीके से एक मर्डर है, मैं इसे मर्डर मानती हूँ। मैं इसे कहीं लापरवाही नहीं मानती, कहीं से भी डिजास्टर नहीं मानती। कौन जिम्मेदार है इस मर्डर को? क्या कहना चाहिए?